दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रोग्रेस चार्ट क्रिएट करना, डैशबोर्ड बनाना पिवोट टेबल की सहायता से। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आप देख रहे हो, ये है प्रोग्रेस चार्ट्स और यहाँ पे है डैशबोर्ड। जैसे ही मैं डैशबोर्ड में क्लिक कर रहा हूँ, चार्ट्स ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, है ना। तो चलिए, ये कैसे हुआ ये मैं आपको सिखाऊंगा। पहले एक बार हम नज़र डालते हैं अपने डेटा पे। सीट वन पे हम जाएंगे, यहाँ है मेरा डेटा, ये करीब 400 के आसपास रिकॉर्ड्स मैंने ले रखे। यहाँ पे हैं डेट्स, सेल्समैन के नेम, आइटम नेम, कंपनी, क्वांटिटी एंड अमाउंट। अब मेरे पास ये काफ़ी सारा डेटा है, तो मुझे इतने सारे डेटा की एक अच्छी सी छोटी सी रिपोर्ट जनरेट करानी है, प्रोफेशनल तरीके से, जैसे मैं दिखाना चाहूँ डैशबोर्ड की सहायता से। तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे करना क्या है। इन सेल्समैन की आइटम नेम वाइज टोटल सेल दिखानी है, ठीक है। सेल्समैन की आइटम वाइज टोटल सेल मुझे डैशबोर्ड में दिखानी है, अपने रिपोर्ट में दिखानी है। तो सीट टू पे हम जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पिवोट टेबल के अंदर यही काम किया है। जो भी मैं यहाँ से सेल्समैन का नेम करूँगा सिलेक्ट, उस सेल्समैन की यहाँ पे सेल आएगी। कंप्यूटर में कितनी सेल की, लैपटॉप में कितनी की, मोबाइल में कितनी की। यहाँ पे जो आइटम नेम दिख रहे हैं आपको, तीन है, ये यूनिक लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। मेरे डेटा के अंदर तीन ही आइटम नेम है, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर, यही तीन आइटम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है आपका, जो भी सेल्समैन है उसने कंप्यूटर में कितने परसेंट सेल की, लैपटॉप में कितने परसेंट सेल की, मोबाइल में कितने परसेंट सेल की। यहाँ पे परसेंटेज में इनकी जो सेल है वो दिखाई दे रही है। 100% में से 33% इसने कंप्यूटर में सेल की, 34% इसने लैपटॉप में सेल की और 33% इसने मोबाइल में सेल की, इस तरह से, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड आप देखिए, मैंने यहाँ से अमन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए चार्ट्स के अंदर आपको अमन की सेल दिखाई दे रही है चार्ट में, प्रोग्रेस चार्ट में, और यहाँ पे भी वही डाटा है अमन का। मैंने यहाँ पे राम पे क्लिक किया तो ये देखिए राम की सेल, विनोद पे क्लिक किया तो विनोद की सेल, राहुल पे क्लिक किया तो राहुल की सेल। यहाँ पे मंथ्स भी आप ले सकते हो, मान लीजिए राहुल की आपको मार्च में देखनी है तो मार्च पे क्लिक कीजिए, राहुल की मार्च में सेल ये है। आपको अमन पे, अमन की सेल चेक करनी है मार्च में तो अमन पे क्लिक कर दिया, मार्च में अमन की सेल ये है। आपको चेक करना है जून में तो जून पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपने एक अच्छी सी छोटी सी रिपोर्ट बना दी प्रोफेशनल तरीके की। डाटा हमारा साइड में रख दिया हमने, डाटा हमारा यहाँ रखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमारा है डैशबोर्ड। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते रहेंगे, कोई सेल्समैन का नेम लेना है या कोई डेट लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट्स अपडेट होते रहेंगे और एक अच्छे तरीके से आपको ये सब कुछ दिखाई देता रहेगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ ये सब कुछ मैंने कैसे किया। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। मैं हूँ दीपक, आपका दोस्त। नाउ लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक पिवोट टेबल बनानी है जिसमें सेल्समैन की आइटम नेम वाइज टोटल सेल हम दिखाना चाहते हैं। तो अपने डेटा में कहीं भी क्लिक कर लो, उसके बाद जाओ इंसर्ट टैब पे और यहाँ पिवोट टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ये क्रिएट टेबल का पॉपअप आपकी स्क्रीन पे आएगा, इसमें पूरी डेटा रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके रखें और इसको ओके कर दीजिए तो एक नई सीट आपकी वर्कबुक में ऐड हो जाएगी। सीट थ्री यहाँ पे ऐड हो गई है जिसमें ये पिवोट टेबल की रिपोर्ट जनरेट आप कर सकते हो। तो कंट्रोल के साथ ट्रैक बॉल घुमाओगे माउस से तो सीट का साइज जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो, इस तरह से। उसके बाद यहाँ ये एरिया है पिवोट टेबल का, इसमें जैसे ही क्लिक करोगे राइट साइड में ये पिवोट टेबल की फील्ड्स आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आइटम नेम को पकड़िए और रो लेबल के अंदर डाल दीजिए। तो आप देखिए जो आइटम नेम थे, यूनिक आइटम नेम कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल, वो यहाँ पे रोज के अंदर आ गए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लानी इनकी सेल, सेल है हमारी अमाउंट कॉलम में, और अगर हमारा कोई भी कॉलम न्यूमेरिक है इनमें से तो उसको हम डालेंगे वैल्यूज में। तो मैंने अमाउंट को पकड़ा और यहाँ वैल्यूज में डाल दिया। तो आप देखिए यहाँ पे जो इनका अमाउंट है वो आ गया है, ठीक है। उसके बाद एक काम और कर लीजिए, हमें यहाँ पे सेल्समैन का नेम भी चाहिए ना,
तो सेल्समैन का नेम, ये सेल्समैन वाला कॉलम पकड़िए और इसको डाल दीजिए फिल्टर में यहाँ पे। तो ऊपर आप देखिए यहाँ पे फिल्टर भी ऐड हो गया है, सारे सेल्समैन के यूनिक नेम यहाँ पे आ गए हैं। चलिए थोड़ा जूम और कर लूँ मैं इसको इस तरह से। अब आपने एक काम करना है, ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो किसी भी एक अमाउंट पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सो वैल्यूज एज, यहाँ पे ये रहा सो वैल्यूज एज, और ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ये वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये परसेंटेज के हिसाब से आ गई। अभी यहाँ पे डेसिमल भी हैं तो डेसिमल हम यहाँ से हटा लेते हैं। फिर से राइट क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए डेसिमल यहाँ पे 2 है तो इसको आप 0 कर दीजिए। ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए तो यहाँ पे डेसिमल भी हट गए। अब यहाँ आप देखिए कोई भी सेल्समैन का नेम आप लेते हो, मान लीजिए आपने रोहित लिया, ओके किया तो रोहित की सेल आ गई। कंप्यूटर में 28%, लैपटॉप 42%, मोबाइल 30%। तो ये इतना काम तो हमारा हो गया, पिवोट टेबल यहाँ पे हमने बना दी है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, हमें यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करना है जिसके लिए हमें यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम की जरूरत है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस सेल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला मुझे लगाना है, इक्वल 1 माइनस इस सेल का नेम देना है जिसमें 28% लिखा हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गेट पिवट डाटा फंक्शन लग जाएगा, हमें ये फंक्शन नहीं लगाना। तो इसको आप हटाइए और यहाँ पे माइनस के बाद इस सेल का नेम दीजिए पहले सेल का, तो यहाँ पे इसका नेम होगा B4। तो मैंने कीबोर्ड से टाइप कर दिया B4 और एंटर की प्रेस कर दी, तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आ गई। इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया। अब हमें यहाँ पे चार्ट करना है ड्रॉ, जो कि है डोनट चार्ट। ठीक है, डोनट चार्ट, तो कहीं भी खाली सेल पे क्लिक करके रखें, इंसर्ट पे जाएं और यहाँ चार्ट्स में से डोनट चार्ट आपको लेना है। ऊपर चार्ट्स में से डोनट चार्ट आपको लेना है, ये वाला। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये चार्ट का जो एरिया है वो आपकी शीट में आ गया। अब आपने एक काम करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्शन लेना है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा लेने के बाद आपने यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो सीरीज नेम है इसमें आपको कुछ नहीं देना, यहाँ पे आ जाइए सीरीज वैल्यूज में। यहाँ पे आपको करना क्या है, 20 टाइम्स 1 लिखना है कॉमा लगा लगा के, इस तरह से 1,1,1,1,1, ऐसे आपको 20 बार 1 लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 20 बार कॉमा लगा लगा के 1 टाइप कर दिया है, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर दीजिए तो चार्ट आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी हमें ये चार्ट का टाइटल और यहाँ से ये लीजेंड्स रिमूव करने हैं, हटाने हैं। तो आप यहाँ पे जाओगे, दोस्तों ये जो मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ ये है 2013, 2013। अगर आप इससे पहला कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो तो कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको ऊपर लेआउट टैब पे मिलेंगी। ये 2013 है तो यहाँ पे लेआउट जो चार्ट्स का टैब आता है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये टाइटल और ये लीजेंड्स हटाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊंगा चार्ट के यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट टाइटल, यहाँ से टिक हटा दिया, लीजेंड से टिक हटा दिया। तो आप देखिए यहाँ पे चार्ट आपका पूरा सिंपल ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये आप देखोगे ये चार्ट जो डोनट चार्ट है इसके अंदर जो ये होल है इसका साइज़ ज़्यादा है, ये साइज़ आप कम करने के लिए क्या करोगे, किसी भी एक सीरीज़ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से, और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डेटा सीरीज, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में फॉर्मेट डेटा सीरीज का पूरा पेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ आना है, इसमें आप देखिए यहाँ पे सीरीज ऑप्शंस में आना है इस पे, और यहाँ पे डोनट होल साइज ये आपको दे रखा है ऑप्शन, तो यहाँ से आप इसको कम कर दीजिए थोड़ा सा। और आप देखिए यहाँ पे जो बीच में जो ये साइज था ये कम हो गया है, तो मैं इसको कर देता हूँ
60% कर लेते हैं, ठीक है 60% मैंने इसको कर दिया है। अब आपको एक बार फिर से यहाँ फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आना है और यहाँ इस बार क्लिक करना है फिल पे। उसके बाद यहाँ से सॉलिड फिल लेना है और यहाँ से चार्ट के लिए कोई भी कलर आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो कलर लिया हुआ है ब्लू कलर, पहले से ही मैं यही कलर यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको कर दीजिए क्लोज और अब इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे तीन चार्ट एक साथ चाहिए। तो ये मैंने चार्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया इस तरह से, ठीक है। आप इस चार्ट की इस लाइन पे क्लिक करके रखो, उसके बाद जाओ ऊपर फॉर्मेट टैब पे और यहाँ आपने लेना है सेव फिल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करना है नो फिल, ठीक है, और आउटलाइन पे भी जाके नो आउटलाइन कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब इस चार्ट पे आप क्लिक कर दीजिए, इस लाइन पे क्लिक करो, इसकी बॉर्डर लाइन जो है कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लो। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है, बाहर क्लिक करके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर लो, एक और कर लो कंट्रोल वी। हमारे पास यहाँ पे जो आइटम है यूनिक आइटम वो तीन है, तो तीन चार्ट हम बनाएंगे। तो तीन बार मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, इनको थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसको इस तरह से रख लीजिए और इसको भी साइड में रख लो उठा के इस तरह से, ठीक है। अब एक काम करिए, तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल की दबा के, इस तरह से मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया है। अभी आप देखोगे ये थोड़ा अगर ऊपर नीचे भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए फॉर्मेट टैब पे, यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन है जो कि सेप एंड चार्ट पे क्लिक काम करता है। आप अलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप करिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, तो बीच में जो स्पेस होगा वो इनका बराबर आ जाएगा ये वाला स्पेस, और अलाइन पे जाके आप इसको मिडिल कर दीजिए, अलाइन मिडिल, तो ये एकदम बिल्कुल ऊपर नीचे से भी फिट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से तीन चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे सेट हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, इस पहले चार्ट पे राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीरीज नेम में आपको ये नेम देना है कंप्यूटर, और यहाँ पे जो ये सीरीज वैल्यूज़ हैं इनमें इसमें जो लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर के सामने ये जो दो सेल मैंने लिए हैं ये लेने हैं, सेलेक्ट कर दिए इसको, ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक सेकेंड सीरीज इस चार्ट के अंदर ऐड हो गई है। अभी आपने एक काम और करना है, आपने इस सेकंड सीरीज पे क्लिक करना है, सेकंड सीरीज पे, इस वाली पे नहीं करना, नीचे वाली पे, इस बाहर वाली सेकंड पे राइट क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे कंप्यूटर, मतलब ये जो हमने सेकंड सीरीज ऐड की है कंप्यूटर नाम से, तो इसके सामने आइए और यहाँ चेक बॉक्स है इस पर टिक लगा दीजिए। टिक लगाने से क्या होगा, ये जो बाहर वाली सीरीज थी ना ये इस अंदर वाली सीरीज के ऊपर आ जाएगी। तो टिक लगा दिया तो ये इस तरह से आपको चार्ट दिखाई देगा, ओके कर दिया तो ये चार्ट कुछ ऐसे आ गया। अभी मैं इसको अगर हटा के देखूँ ऊपर वाली सीरीज को, तो ये देखिए उसके नीचे वो नीचे वाली सीरीज है, ठीक है दूसरे वाली, तो इसको हम ऊपर सेट कर देते हैं वापस, ये कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, ये हो गया। अब आपने करना क्या है, ये जो पहली ऊपर वाली सीरीज है ये वाली, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे, डेटा पॉइंट पे जाना है, फॉर्मेट डेटा पॉइंट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको जाना है फॉर्मेट डेटा पॉइंट के अंदर फिल पे, और यहाँ नो फिल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नो फिल पे क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर वाली शेप थी ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, नीचे वाली शेप आपको आर पार दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो ये वाली शेप है इस पर भी हम यही काम करेंगे, बट इस पर नो फिल नहीं करेंगे, तो इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ फिल पे आके सॉलिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर लेंगे वाइट, इसमें से मैंने वाइट कलर ले लिया, बट इसकी ट्रांसपेरेंसी है इसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए 15% कर लीजिए, बहुत है 15%,
ओके, अब इसको कर दीजिए क्लोज। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यही काम हमें यहां पे भी करना है और यहां पे भी करना है। उससे पहले हम एक काम और करते हैं, हमें इन तीनों चार्ट्स का कलर अलग अलग रखना है। तो सेकंड चार्ट के ऊपर मैं आऊंगा, सीरीज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डेटा सीरीज, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिल के अंदर जाके सॉलिड पे क्लिक करके कोई भी एक कलर यहाँ से सेट कर देंगे। तो सेकंड चार्ट के लिए मैंने एक कलर ले लिया रेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम जाएंगे अपने थर्ड चार्ट पे, सीरीज के ऊपर राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ फिल में आके इसके लिए भी कोई कलर सेट कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया ये वाला कलर, इसको हम बंद कर देंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज पेन को। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड चार्ट पे, राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, ऐड। उसके बाद यहाँ सीरीज नेम में क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे लैपटॉप वाले सेल पे, और यहाँ सीरीज वैल्यूज़ में ये हटा दीजिए, और लैपटॉप के सामने ये दो सेल हैं इनको कर दीजिए सिलेक्ट, ओके कर दीजिए, और इसको ओके कर दीजिए। अब आपने करना क्या है, सेकेंड चार्ट के अंदर जो बाहर वाली सीरीज है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ लैपटॉप के सामने वाले चेक बॉक्स पे टिक लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। इतना काम कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए इस ब्लू वाली सीरीज पे, दो बार क्लिक करना है। दो बार क्लिक करने से ये केवल ये वाली शेप सिलेक्ट हो गई है, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा पॉइंट। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए फिल के अंदर, और फिल के अंदर जाके आपने सेलेक्ट करना है नो फिल। नो फिल करने से क्या होगा, वही पीछे वाली जो शेप है, जो चार्ट है, जो सीरीज है, वो आर पार दिखाई देगी। और उसके बाद आप इस सेकेंड वाली शेप पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, दो बार क्लिक कर लीजिए, और यहाँ आपको क्लिक करना है सॉलिड फिल, और यहाँ से कलर लेना है वाइट, और इसकी ट्रांसपेरेंसी है इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, वही 15% कर लीजिए जितना हमने पहले किया था, ठीक है, इस तरह से 15%। इसको बंद कर दीजिए अभी। तो हमारा ये सेकेंड चार्ट भी रेडी है। अब हम बात करते हैं थर्ड चार्ट की। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डेटा, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ सीरीज नेम में क्लिक करने के बाद मोबाइल पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ सीरीज वैल्यूज़ में इसको हटा के मोबाइल के सामने वाले ये दो सेल ओके, और इसको भी ओके। उसके बाद ये जो बाहर वाली सीरीज है इस चार्ट की, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, बाहर वाली के ऊपर राइट क्लिक, और उसके बाद चेंज सीरीज चार्ट टाइप ये ऑप्शन लेना है, और यहाँ मोबाइल के सामने वाले चेक बॉक्स पे टिक लगाइए, ओके कर दीजिए। अब आपने एक काम करना है, इस बाहर वाली, इस ब्लू वाली शेप पे दो बार क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा पॉइंट, और यहाँ फिल पे जाके नो फिल, और उसके बाद ये जो शेप है इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। उसके बाद सॉलिड फिल पे जाइए और यहाँ से कलर ले लीजिए वाइट, और ये वाला कलर ले लीजिए वाइट, और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कर दीजिए जैसी आपने पहले की थी, जितनी 15%, इस तरह से, ओके। तो इसको आप कर दीजिए क्लोज। इतना काम हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए यहाँ से रोहित की जगह आपने विनोद लिया, ओके किया, तो चार्ट आपके चेंज हुए, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से लेता हूँ अमन, ओके किया, तो ये देखिए चार्ट आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये अभी काम कर रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ हमें करना बाकी है इसमें। अब हमें इन चार्ट्स में परसेंटेज शो करवानी है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इंसर्ट टैब पे जाता हूँ, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ये टेक्स्ट बॉक्स एडिट मोड पे है, आप देख सकते हो ब्लिंकिंग सिंबल इसके अंदर आ गया है, मैं इसमें अभी कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बार की ज़रूरत है, मैंने फॉर्मूला बार हाइड कर रखा था ताकि सीट के अंदर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रहे। तो मैं जाऊँगा व्यू टैब पे और यहाँ फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला बार आ गया है, टेक्स्ट बॉक्स मेरा सिलेक्टेड है। ऊपर आऊँगा मैं फॉर्मूला बार पे, और यहाँ
इक्वल का साइन लगाऊंगा। उसके बाद ये जो पहला चार्ट है ये कंप्यूटर का है ना, तो कंप्यूटर के सामने ये जो सम है सम ऑफ अमाउंट, इसके नीचे वाला सेल है 28% वाला, इसका नेम हम देंगे। इसका नेम क्या है? B4। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे B4। B4 मैंने टाइप कर दिया। अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस सेल की वैल्यू आ गई। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी और इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी और यहाँ पे भी कंट्रोल वी। यहाँ पे आप देखोगे मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये कौन से आइटम का चार्ट है? लैपटॉप का। और लैपटॉप की जो ये है ये वाला सेल है इसका नेम क्या होगा? B5। और यहाँ पे मोबाइल का होगा B6। तो यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया। ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए B4 नेम है तो इसको मैं एडिट करके B5 कर देता हूँ। और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए लैपटॉप की सेल आ गई, सॉरी सम ऑफ अमाउंट ये आ गया है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जाके इसको B6 कर दीजिए, B6 एंटर कर दीजिए तो ये इस तरह से आ गए। अब इस सेल पे तीनों सेल को कर लीजिए सिलेक्ट, सॉरी तीनों टेक्स्ट बॉक्स को एक ही बार में सिलेक्ट कर लीजिए। होम टैब पे जाइए और इनका साइज़ बढ़ा दीजिए इस तरह से, ठीक है। इनको बोल्ड कर दीजिए और यहाँ से इनका कलर ले लीजिए। कलर तो हम अभी नहीं लेंगे। इतना करने के बाद आप एक काम कीजिए, बाहर क्लिक कर दीजिए, तीनों टेक्स्ट बॉक्स अनसेलेक्ट हो जाएंगे। पहले टेक्स्ट बॉक्स को उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है, ये रख दिया ऐसे। और इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक हुआ पड़ा है, फॉर्मेट टैब पे जाइए और यहाँ सेव फिल पे जाके नो फिल, सेव आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन, और ये इसका जो कलर है वो बिल्कुल सेम कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे जाके ब्लू कलर इसका कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, मैचिंग मैचिंग कर देते हैं। तो ये हो गया इस तरह से, आप ये देख सकते हो। थोड़ा सा इसको बीच में कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के भी आप यहाँ रख लीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, सेव फिल पे जाके नो फिल, आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन, और इसका कलर आप रेड कर दीजिए, तो यहाँ पे जाके रेड। उसी तरह से आप इसको उठाइए यहाँ से, यहाँ रखिए, और फॉर्मेट पे जाके सेव फिल पे जाके नो फिल, आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन, और होम पे जाके इसका कलर चेंज कर दीजिए ये कलर, ठीक है दोस्तों। इतना काम कंप्लीट। इसके बाद अब हमें यहाँ इन तीनों चार्ट्स के नीचे इनके लेबल शो कराने हैं। तो फिर से हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया। ऊपर जाएंगे फॉर्मूला बार पे, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ इस कंप्यूटर वाले सेल पे या तो आप क्लिक कर दीजिए या इस सेल का रेफरेंस दे दीजिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा आ गया A4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलेज होते हैं दोस्तों अमाउंट के अंदर। ये आप अगर करते हो सिलेक्ट तो यहाँ गेट पीवर्ड डेटा फंक्शन लग जाता है। इसके अलावा किसी भी सेल पे आप क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया कंप्यूटर। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी और यहाँ पे भी कंट्रोल वी इस तरह से, ठीक है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ। इस पर क्लिक किया तो ऊपर फॉर्मूला बार पे जो सेल का नेम आ रहा है वो है A4, मैं इसको A5 कर देता हूँ, A5 एंटर किया तो A5 सेल की वैल्यू इसमें आ गई इस टेक्स्ट बॉक्स में। आप देख सकते हो A5 के अंदर क्या लैपटॉप। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं फिर से जाऊँगा फॉर्मूला बार पे और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको A6, एंटर प्रेस करूँगा तो ये आ गया, ठीक है। तो इनको थोड़ा थोड़ा आप सेट कर लीजिए सेंटर में करके इस तरह से, और इसको भी सेंटर में कर लीजिए इसके ऐसे, और इसको भी इसके सेंटर में इस तरह से। कंट्रोल की दबाए रखें और तीनों टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लें, ठीक है। होम टैब से इनका साइज़ बढ़ा दें इस तरह से, बोल्ड कर दीजिए, बाकी फॉन्ट स्टाइल जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। और फॉर्मेट पे जाइए, सेव फिल पे जाके नो फिल, और सेव आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए इस तरह से, इस टेक्स्ट बॉक्स की थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दीजिए इस तरह से, कंप्यूटर पूरा आ जाएगा। और यहाँ से भी इसको उठा के
सेट, ये अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। कलर चेंज करना है, इस पर क्लिक करके मैचिंग कलर कर देते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो ब्लू कलर, और यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करके इसका रेड कलर, और थर्ड पे क्लिक करके इसका यही कलर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई नेम यहाँ से ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे राम लिया, ओके किया, तो ये राम की सेल आ गई, तो यहाँ पे लिखा है ना सेल ऑफ राम या राम सेल जो भी है, तो एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ, इस सेल में, और यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, इक्वल इक्वल दिस सेल पे, दिस सेल क्लिक कर दिया मैंने, एंड का साइन लगाइए, डबल कोट्स ओपन कीजिए, स्पेस देके लिख लीजिए सेल, डबल कोट्स बंद, एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया राम सेल, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और मान लीजिए अमन लिया, ओके किया, तो यहाँ पे अमन सेल लिखा जाएगा, ठीक है। या इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे लगाया इक्वल, डबल कोट्स के अंदर लिखा सेल ऑफ, स्पेस देके डबल कोट्स, और उसके बाद एक काम कर दे, डबल कोट्स मैंने हटाया और यहाँ पे कॉलन लगाया, फिर डबल कोट्स बंद, एंड का साइन लगाया और ये वाला सेल कर लिया सिलेक्ट, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आ गया सेल ऑफ अमन, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और सेल ऑफ अमन इस सेल पे क्लिक कर देंगे, एंटर करेंगे प्रेस, तो ये सेल ऑफ अमन यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा आ जाएगा। इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, बाकी फॉर्मेटिंग आप चाहो लगा लेना। से इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक हुआ पड़ा है, ऊपर फॉर्मेट का टैब आया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और सेव फिल पे जाके नो फिल, सेव आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो इतना काम हमारा सेट हो गया। अब एक काम करिए, अगर मैं यहाँ से किसी को भी पकड़ के इधर उधर ड्रैग करता हूँ तो पूरा जो हमारा चार्ट का सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। आप एक काम कीजिए, कंट्रोल की दबाए रखें कीबोर्ड से और यहाँ सभी चार्ट्स पे, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस पे, सभी पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से, और इस ऊपर वाले पे भी। फॉर्मेट टैब पे जाइए और यहाँ ग्रुप का एक ऑप्शन है, एरा ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अब ये ग्रुप बन गया पूरा, आप इसको कहीं भी ऊपर नीचे एडजस्ट करोगे तो पूरा जो चार्ट है एक साथ जाएगा, इस तरह से, ठीक है, ये रख दिया। अब मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना है, तो उसके लिए करना क्या है, इस पिवट टेबल के अंदर क्लिक कर लेना है और ऊपर जाना है एनालाइज टैब पे, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर, इस पर क्लिक करना है। हमें जो स्लाइसर ऐड करना है वो सेल्समैन के नेम से करना है, हमें बार बार यहाँ से सेल्समैन का नेम सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ आप देखोगे सेल्समैन का जो ये स्लाइसर है, इस पर टिक लगाइए और इसको ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे ये स्लाइसर आ गया है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो राहुल, तो यहाँ पे राहुल का डाटा आया, ये रहा राहुल का डाटा, ये रहा चार्ट, ठीक है। राम लिया तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ये काम कर रहा है इस तरह से। अभी मेरे को ये स्लाइसर ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मेरे को यहाँ पे जाना है साइज एंड प्रॉपर्टीज़ पे। साइज एंड प्रॉपर्टीज़ पे आप जाओगे तो यहाँ जाना है पोजीशन एंड लेआउट, ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे, मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे लिया नंबर ऑफ कॉलम 2, तो यहाँ देखिए 2 कॉलमों के अंदर नेम आ रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको 3 कर लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो यहाँ देखिए स्लाइसर के अंदर जो नेम थे वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गए हैं। इसको क्लोज कर देंगे और इस स्लाइसर की जो हाइट है उसको थोड़ा हम कम कर देंगे, इतना, ठीक है, थोड़ी सी विड्थ सेट कर देते हैं इस तरह से, इसको नीचे रख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मेरे को यहाँ पे डेट्स के लिए टाइमलाइन और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर से पिवट टेबल के अंदर क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइमलाइन, आप देख सकते हो यहाँ पे
ऊपर इंसर्ट के अंदर टाइमलाइन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके डेटा में जो भी कॉलम ऐसा है जिसमें डेट्स हैं तो उस कॉलम का नेम यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा डेट, डेट पे टिक लगाइए, ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे टाइमलाइन भी ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से फॉर्मूला बार को हाइड कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। तो व्यू पे जाके फॉर्मूला बार से टिक हटा दिया मैंने इस तरह से। अभी आप इनको सेट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो ये टाइमलाइन हो गया हमारा, यहाँ पे डेट्स हैं। आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे जो भी मंथ है ये देखिए, तो आपका जो चार्ट है उसी अकॉर्डिंग अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और ये आपका स्लाइसर है, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा इसको आप फॉर्मेट कर लीजिए अपने हिसाब से, डिज़ाइन जो भी है। मैं एक काम और कर लेता हूँ, सीट में ज़्यादा स्पेस हो जाए इसलिए मैं ऊपर से रिबन को हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल F1, ठीक है, अब ठीक है। तो ये हम सेट कर लेते हैं थोड़ा सा अपना इस तरह से, अब एक काम कीजिए इंसर्ट पे जाइए, एक शेप ले लीजिए, शेप पे क्लिक करके, और यहाँ से मैंने ये वाली शेप ले ली, राउंडेड रेक्टेंगल, इसको इसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और इसको सेंड टू बैक करना है। फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ सेंड बैकवर्ड एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और दो तीन बार क्लिक कर दीजिए, तो ये इस तरह से पीछे चली गई है ब्लू वाली शेप। इसका आप कलर चेंज करना चाहो पीछे वाली शेप का, तो अभी पीछे वाली शेप सिलेक्टेड है, और सेव फिल में जाके यहाँ से कोई भी कलर आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से रेड ले लिया, रेड, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड रेडी है। अब आप देखिए अमन की सेल, क्लिक किया तो अमन की सेल आ गई, रोहित पे क्लिक करोगे रोहित की सेल, यहाँ आप देख सकते हो रोहित का डाटा। रोहित की आपको चेक करना है सितंबर में, तो यहाँ पे आप मंथ जो है सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट चाहिए तो यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हो, डेट चाहिए, ईयर चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, मंथ चाहिए, डेज चाहिए, जो भी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है इस डैशबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की सेल ना देख के सभी सेल्समैन की सेल देखनी हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्लाइसर को हटा सकते हो, मतलब स्लाइसर से जो डाटा हमारा आया है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे सभी सेल्समैन की सेल दिखाई दे रही है, ऊपर भी लिखा रहा ऑल। तो अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका जो डेट है इसके अंदर जुलाई सिलेक्टेड है, इसका मतलब जुलाई में सभी सेल्समैन की सेल कितनी है वो आपको दिख रहा है। आप यहां से मंथ चेंज कर सकते हो, अगस्त में कितनी है, सितंबर में कितनी है, तो यहां पे वो आपको दिख जाएगा सारा कुछ, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको मतलब ओवरऑल सभी डेट्स की सेल देखनी है तो यहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हो इस तरह से। तो ये आपको अभी सभी सेल्समैन की पूरे मंथ्स की सेल दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप इस डैशबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है दोस्तों। आप इसको बना के देखिए, कोई भी समस्या मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको स्लाइसर के बारे में ज़्यादा सीखना है और पिवट टेबल को डिटेल में सीखना है, तो इनके वीडियोज़ के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप इनको सीखिए। साथ ही साथ इस ट्रेनिंग फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, काम का वीडियो है शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।